सो हे गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का आज की एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 8 प्लस के बारे में, जो कि एक अपने टाइम का बहुत तगड़ा डिवाइस था। बिकॉज ऑफ गाइस, उस टाइम पे ये 60 FPS प्रोवाइड करता था। एंड गाइस, अगर मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले वगैरह की, तो वो गाइस उस टाइम के हिसाब से थोड़ा सा आईपैड व्यू देता था। एंड थोड़ा सा भी नहीं बोल सकते गाइस, वो पूरा आईपैड व्यू ही होता था। तो एट द एंड ये कह सकते हो कि हाफ आईपैड एंड हाफ मोबाइल था वो फ़ोन, ठीक है। तो बात करेंगे कि क्या 2023 या फिर 24, मतलब 23 तो ख़त्म ही हो गया, 2024 के अंदर क्या आप इस फ़ोन को परचेज कर सकते हो या फिर नहीं, तो इस चीज़ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले गाइज, हम लोग बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, लाइक कि इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर है। तो इसके अंदर गाइज आपको मिलता है A11 बायोनिक चिप सेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा चिप सेट आप कह सकते हो, मतलब उस टाइम के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा तगड़ा चिप सेट था। बिकॉज ऑफ गाइज, ये फ़ोन 2016-17 के आसपास का फ़ोन है, एंड उस टाइम पे A11 बायोनिक चिप, आज के भी अगर मैं बात करूँ, आज के हिसाब से भी अगर आप इसको देखोगे, तो इसको सिर्फ एक कूलिंग फ़ैन चाहिए। एंड गाइज, ये आपको BGMI के अंदर कॉन्स्टेंट 60 FPS प्रोवाइड करके दे देगा। तो आप आईफोन 8 प्लस की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या पावर है इस फ़ोन के अंदर, ठीक है। एंड रही बात गाइज कि मैं प्राइसिंग को भी लेके बात करूँगा, क्योंकि नया तो ये मिलेगा नहीं, एंड सेकेंड हैंड ये आपको कितने तक का मिलेगा, तो सब कुछ बात करने वाले। तो A11 गाइज आज के डेट में भी आप कह सकते हो कि बस उसको एक फ़ैन चाहिए, जिससे आप 60 FPS प्रोवाइड हो जाएगा आपको। तो एट द एंड आपको करना क्या है, तो गाइज देखो, BGMI एंड PUBG एक अगर हम साइड रखें, तो इसका अगर लुक की बात करें, तो गाइज पीछे से इसका लुक आज की डेट में भी प्रीमियम फील होता है, ठीक है। एंड फ्रंट साइड से आपको बहुत बड़े बड़े वेजल्स मिलते हैं, तो वो आज के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। बट गाइज देखो, अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस वगैरह की, तो आज के डेट के हिसाब से भी जो 20-30 हज़ार के फ़ोन्स हैं, तो उनके टक्कर की परफॉर्मेंस इसकी रहने वाली है। प्रैक्टिकली अगर आप देखो, तो उनसे ज़्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस ये निकाल के दे देगा। बट जहाँ पे दिक्कत क्या आती है, बट यहाँ पे एक ही चीज़ क्या आती है कि इसके अंदर अपडेट्स आने बंद हो गए हैं, तो ये फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पाएगा आपका। बिकॉज ऑफ गाइज, आज से कुछ टाइम बाद, ज़्यादा नहीं, आज से 2-2.5 साल बाद ही इसके अंदर काफ़ी तरीके के ऐप्स हैं जो कि चलने बंद हो जाएंगे, मींस इंस्टॉल ही नहीं कर पाओगे इसके अंदर आप वो सारे ऐप्स। तो इस टाइप की आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगी, बट 2-3 साल के बाद। बट अगर हम बात करें करंट टाइम पे, तो करंट टाइम के अंदर गाइज, इसके अंदर आपको मैं बात करूँ, तो बस एक कूलिंग फ़ैन चाहिए, जो कि अराउंडली 1600-1700 रुपये का आता है। एंड इस फ़ोन की प्राइसिंग की मैं बात करूँ, तो अगर आईफोन 8 प्लस अगर आप सेकेंड हैंड लेने जाओगे, तो अराउंडली आपको इसका कॉस्ट आएगा 12,000 से लेकर 14,000 रुपये के बीच में, ठीक है। एंड आईफोन 8 की मैं बात करूँ, तो आपको 8,000 से 7,000 रुपये में मिल जाएगा। एंड सच बताऊँ तो गाइस, आईफोन 8 प्लस भी आपको 10K के अंदर भी मिल सकता है, बट जो एक्चुअल प्राइस अभी चल रहा है 12,000 से 14,000 के बीच में, आपको आईफोन 8 प्लस की प्राइसिंग कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगी सेकेंड हैंड। तो बात करते हैं इसके टोटल कॉस्ट की, तो गाइस चार्जर वगैरह के मैं नहीं जोड़ूंगा, चार्जर वगैरह आपको देखना है। बाकी पंखा 2,000 रुपये का हम मान के चलते हैं, एंड 11,000 रुपये का हम फ़ोन, चलो 12,000 का हम फ़ोन मान के चलते हैं। तो टोटल गाइस आपको 14,000 रुपये में आईफोन 8 प्लस एक कॉन्स्टेंट 60 FPS की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा, बट वो नॉर्मल क्लासिक्स में करेगा। कॉनकर लॉबी में आपको 55 तक FPS मिल जाएंगे, तो कॉनकर लॉबी की भी दिक्कत नहीं है। बट एक एक्चुअल दिक्कत है कहाँ पे, तो एक्चुअल दिक्कत है गाइज अपना कॉम्पिटिटिव में। कॉम्पिटिटिव के लिए जो बंदे सोच रहे कि आईफोन 8 ले लूँ, तो गाइज कॉम्पिटिटिव भी वो खेल पाएंगे, ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं खेल पाएंगे, फैन लगा के वो कॉम्पिटिटिव भी खेल लेंगे। बट गाइज जो T1 लॉबीज होती है, T2 लॉबीज होती है, पेड लॉबीज होती है गाइज, उनमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उनमें बहुत लैग होगा, 40 FPS तक गिर सकता है ये वाला डिवाइस। बट हाँ, एंड्रॉयड से बढ़िया चलेगा, एट द एंड ये बोल सकता हूँ कि एंड्रॉयड से बढ़िया चलेगा। बट कॉम्पिटिटिव के लिए अगर आप ये सोच रहे हो कि कॉम्पिटिटिव के लिए लेना आईफोन 8 प्लस, तो मैं मना करूँगा गाइज, मैं इसको रिकमेंड नहीं करने वाला। बट हाँ, अगर आप नॉर्मल यूट्यूब वगैरह करना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, तो आज की डेट में भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं आईफोन 8 प्लस के ऊपर ही, ठीक है। तो ये एक छोटा सा गेमिंग रिव्यू था आईफोन 8 प्लस का। तो गाइज हाँ, आप इस फ़ोन को परचेज कर सकते हो 12-13 हज़ार रुपये के अंदर, अगर आपको कॉम्पिटिटिव नहीं खेलना है एंड आपको क्लासिक्स खेलना है, एंड क्लासिक्स में आपको 55+ FPS ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नीचे नहीं ड्रॉप करेगा, नॉर्मली की बात कर रहा हूँ। कभी कभी 1-2 सेकंड के लिए तो मेरा आईफोन 11 भी नीचे चला जाता है 30 FPS तक, तो ये तो फिर भी 8 प्लस है। तो अभी के टाइम पे ये नहीं कह सकते कि गाइस हाँ ये कॉन्स्टेंट 60 FPS दे पाएगा। हाँ, ये कह सकता हूँ कि 55+ FPS आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है।
तो ओवरऑल मैं इस फ़ोन की मैं बात करूँ तो ले सकते हो, मेरा एक ही जवाब रहेगा कि हाँ ले सकते हो। बिकॉज ऑफ गाइज, अगर आप भी आज की डेट में देखोगे तो इंडियन यूट्यूबर्स की तो बातें छोड़ो, बाहर के यूट्यूबर्स की भी देखोगे तो मैक्सिमम बंदे आईफोन 8 प्लस पे देखने को मिलेंगे आपको। इसका एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है एक कि आईपैड व्यू मिल जाता है फ़ोन के होते हुए, आईपैड व्यू मिलता है इसके ऊपर, तो ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन बहुत रीज़न हो सकते हैं, मेनली रीज़न यही बोलूँगा आईपैड व्यू वाला, ठीक है, बिकॉज ऑफ उन पे इतना पैसा तो होता ही है कि वो एक अच्छा डिवाइस परचेज कर पाए, बट फिर भी वो इसी पे खेल। तो अब गाइज बात करते हैं हम लोग कैमरा के बारे में। तो इसका कैमरा गाइज एक डिसेंट कैमरा है कह सकते हो, ये नहीं बोलूँगा टॉप नॉच लेवल है, आज के फ़ोन से कंपेयर कर पाओगे नहीं कर पाओगे आज के हिसाब से, बट एक डिसेंट लेवल का कैमरा आपको देखने को मिलता है। अगर मैं फ़ोटोज़ की मैं बात करूँ तो अगर आप डे में फ़ोटो खींचोगे, मतलब डे एरिया रहेगा, मतलब दिन का एरिया रहेगा, तो उसमें गाइज एक काफ़ी ख़तरनाक फ़ोटोज़, काफ़ी क्लियर फ़ोटोज़ निकाल के देगा, एंड वीडियोग्राफी भी काफ़ी क्लियर करके निकाल के देता है। आप 4K 60fps तक के वीडियो रिकॉर्डिंग इस फ़ोन पे कर पाओगे। तो ओवरऑल कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बेकार है। अगर मैं इस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी की मैं बात करूँ तो ऐसे कंपेयर कर सकता हूँ कि अगर आज की डेट में भी आप 30,000 के एंड्रॉइड्स उठा लो, उनसे बढ़िया कैमरा इसका आपको मिलेगा, ठीक है। आप समझ सकते हो कि क्या पावर है आईफोन 8 प्लस की। तो ओवरऑल गाइज ये सिर्फ दो ही चीज़ में मार खाता है, एक है 4G एंड दूसरा है इसके अंदर अपडेट। तीसरा गाइज मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि काफ़ी लोगों को वेजल्स पसंद है एंड काफ़ी लोगों को वेजल्स नहीं पसंद है। तीसरी जो प्रॉब्लम इसके अंदर है वो वेजल्स है, क्योंकि काफ़ी लोगों को अच्छी लगती है एंड काफ़ी लोगों को बेकार लगती है, तो ये बात है, तो इसलिए मैं इसको नहीं रेस करूँगा। बाकी दो ही एक मेजर इशू है इसके अंदर, वो है अपडेट का ना आना एंड दूसरा आपको पता है इसके अंदर गाइज 4G का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, तो एक इशू ही है। तो आपको डिसाइड करना है कि गाइज आपको क्या लेना है कि नहीं लेना है। एंड एट द एंड गाइज मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप 12-13 हज़ार रुपये में कोई एंड्रॉइड भी परचेस करोगे तो उस पर आप 60fps की तो दूर की बात है, 30fps भी ढंग से नहीं खेल पाओगे। तो यही बोलूँगा कि 12-13 हज़ार रुपये का आपका बजट है तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है, ठीक है। बट अगर आप बजट बढ़ा सकते हो तो मैं नो डाउट बोलूँगा कि आगे के फ़ोन्स परचेस करो, बट ये फ़ोन में भी या आज की डेट में भी दम है तो ये मैं बोल सकता हूँ। तो खैर गाइज यही थे मेरे कुछ ओपिनियंस एंड यही थे हमारे आज की कुछ वीडियो। मिलते हैं आपको एक और ऐसी न्यू वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।